दोस्तों, ये जो पीसीबी आप देख रहे हैं इसमें सब इनबिल्ट है। मतलब कि चटके की पीसीबी, यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर लगेगा, ये फेरेट कॉइल बोलते हैं इसको, ये लगेगा। और ये जो पूरा डिपार्टमेंट है, ये पूरा झटके वाली जो हम पीसीबी यूज करते हैं एसी वाली, ये पूरी इसमें अटैच है, ये वाली पीसीबी में। और दूसरी दो जो पीसीबी आती है चार्जिंग वाली और सायरन की, ये भी दोनों इसमें अटैच है। ये जो भाग है ये चार्जिंग वाला है और ये है सायरन वाला। नए जो यूजर्स है, जिसको अभी नया नया बनाने सीखे है झटका मशीन, उसके लिए ये बहुत इजी है। यहाँ पे ये पीसीबी में आपको कहीं भी सोल्डर नहीं करना है, मतलब कि कोई भी स्पेयर पार्ट आप ट्रांसफार्मर, सिटी कॉयल, कैपेसिटर सब फिटिंग करने के लिए यहाँ पे कहीं पे सोल्डर नहीं करना है। ये पीसीबी में सब पूरा ये पिन सिस्टम है, देखो पूरा पिन सिस्टम है। यहाँ पे आपको कहीं भी सोल्डर नहीं करना है। देखो ये जो पहले है, यहाँ पे कौन कौन से फंक्शन आएंगे ये पीसीबी में, ये मैं आपको बताता हूँ। पहला जो है सोलर का है, प्लस और माइनस। दूसरा है बैटरी का, प्लस और माइनस। ये है एमपी स्विच, मतलब मेन स्विच जो होती है हमारी बड़ी वाली, इसका दो टर्मिनल यहाँ पे देना है। इसके बगल में है ऑटो स्विच। ऑटो स्विच बोले तो डे नाइट वाला, जो रात को चालू होता है दिन को बंद होता है वो। और इसके बाजू में है एक्स्ट्रा स्विच। एक्स्ट्रा स्विच हमारे झटके मशीन में जो आता है, अगले वीडियो में आपने देखा होगा, तीन स्विच वाला जो होता है, ये एक्स्ट्रा स्विच, ये फुल पावर और कम पावर वाली जो स्विच होती है ये। और उसके बाजू में है कैपेसिटर का, दो टर्मिनल देना है। और उसके बाजू में है ट्रांसफार्मर का, दो टर्मिनल देना है, वो इस तरह से इस बाजू में से देना है। तो ये पूरी लाइन का आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। और दूसरी जो है ये है सिटी कॉयल, जो हम लगाते हैं हमारे झटका मशीन में, वैसी सिटी कॉयल। और उसके बाजू में है अलार्म स्विच। अलार्म स्विच बोले तो वो सायरन ऑन ऑफ करने की जो स्विच होती है वो वाली, इसका दो टर्मिनल इधर देना है। उसके बाजू में है अलार्म। अलार्म मतलब वो अलार्म जो बजने वाला होता है ये वाला, उसका दो यहाँ पे देना है। तो पूरा इसमें सेटअप आ जाता है। और तीन चार है पिन, उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये है लो बैटरी वाला, यहाँ पे आपको एलईडी के साथ वो पिन लगा के इधर देना है। और ये है चार्जिंग वाली, जो सोलर का पिन हम भरा डालते हैं तो वो चार्जिंग की जो एलईडी होती है वो पिन यहाँ पे डालनी है। और ये वो पॉट का है, जो हम अलार्म सेंसिटिविटी बोलते हैं उसको, लीनियर पॉट जो होता है ना, वो इधर देना है। और ये जो हमारा जो पल्स होता है ऑन ऑफ जो होता है एलईडी, मतलब झटका जो चलता है उसकी जो एलईडी होती है ऑन ऑफ वाली, वो एलईडी का इधर देना है। मतलब पूरा पूरे का पूरा इसमें ये पीसीबी में आ जाता है। आपको कोई एक्स्ट्रा यहाँ पे कोई शोल्डर वगैरह कुछ भी करना नहीं है, पूरा का पूरा इसमें जो पिन सिस्टम है वो है। तो जो नए यूजर्स है इसके लिए ये बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।